हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइन पुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे, तो देख लीजिए ब्लाउज की लंबाई मैंने 13.5 इंच रखी है। तो मैं आपको साइज़ करके दिखा देती हूँ। ब्लाउज की चौड़ाई 10.5 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है, आर्म होल की लंबाई 5.5 इंच है। 2.5 इंच की चौड़ाई देते हुए गले की मार्किंग कर देते हैं ऊपर के साइड से। नीचे के साइड से 3 इंच की चौड़ाई पे मार्क कर देंगे। दोनों मार्किंग को बराबर करते एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब गले की लंबाई लेंगे, तो गले की लंबाई 10 इंच रख रहे हैं, 10 इंच पे मार्क करेंगे और बिल्कुल बराबर में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। गले की डिज़ाइन का मार्किंग करेंगे, तो आप वीडियो में देख लीजिए कैसे मार्क करें। इस तरीके से मार्किंग कर दीजिएगा और मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर देंगे। तो मैंने देखिए अस्तर पे गले कटिंग कर दिया। साथ में ब्लाउज का फैब्रिक लेंगे और इसके भी गले की इसी तरीके से कटिंग करेंगे जैसे अस्तर का किया है। तो मैंने देखिए दोनों कपड़ों के गले को बिल्कुल बराबर में कट कर दिया। बराबर में कपड़े को फैला देंगे और एक सिलाई लगाते हुए पूरा अच्छे तरीके से गले की स्टिचिंग करेंगे। तो आप वीडियो में देख रहे हैं मैं गले की स्टिचिंग कैसे करें। ऐसे बराबर करते हुए पूरे गले की स्टिचिंग कर दीजिएगा एक सिलाई लगाते हुए। तो मैंने देखिए गले पे अस्तर कपड़े को पूरा बराबर करते स्टिच कर दिए। मेरा गला देखिए स्टिच हो चुका है। अब गले के छोटे छोटे कट लगा देंगे। इससे जब गले को पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन सेम इसी तरीके से आएगी जैसे हमने कटिंग गले की कर रखी है। मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए। अब इसको पलट कर सीधा कर देंगे। ये सीधा हो चुका है। इस पर एक सिलाई लगा के इसकी फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो आप वीडियो में देख रहे हैं मैं फिनिशिंग की स्टिचिंग कैसे कर रही हूँ। इस तरीके से गला बिल्कुल उभर कर आ जाएगा जैसे हमने बना रखा है। तो मेरा गला देखिए पूरा अच्छे से स्टिच हो चुका है। इस पर एक सिलाई लगा के ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं अस्तर कपड़े को मिलाते हुए ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग कैसे करें, ऐसे कर दीजिएगा। तो मैंने देखिए ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया। नीचे के साइड से ब्लाउज में टक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो माप लेते हुए दोनों साइड से बराबर में टक्स की स्टिचिंग करेंगे जैसे मैं वीडियो में स्टिच करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से दोनों साइड से टक्स बना दीजिएगा। तो मैंने देखिए दोनों साइड से बराबर में टक्स की स्टिचिंग कर दिया। नीचे के साइड से अस्तर की पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो ये पट्टी कटिंग कर दी। अब इसको बराबर करते नीचे के साइड से पूरा स्टिच करेंगे। तो आप वीडियो में देख रहे हैं मैं पट्टी को कैसे बराबर में स्टिच करें, ऐसे कर दीजिएगा। तो ये पट्टी स्टिच हो चुकी है। इसको फैला देंगे और इस पर एक सिलाई लगा के फिनिशिंग की स्टिचिंग कर लेंगे। तो मैंने देखिए फिनिशिंग की स्टिचिंग कर दिया। अब इस पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते इसको बॉर्डर बनाते हुए ब्लाउज को पूरा स्टिच कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं बॉर्डर कैसे बना रही हूँ, ऐसे बना दीजिएगा बॉर्डर। तो ये ब्लाउज का बॉर्डर पूरा अच्छे से बन चुका है। मैंने कम्प्लीटली स्टिचिंग कर दिया। ब्लाउज मेरा कम्प्लीट स्टिच हो चुका है। इस पर डिज़ाइन करना है तो ब्लाउज साइड करेंगे। और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने बकरम ले लिया है। बकरम साइड करके ब्लाउज रख दिए हैं। ब्लाउज के गले के साइड से देखिए ऊपर के साइड से बकरम को बराबर में रखेंगे। अब ब्लाउज ट्रांसपेरेंट होने लगा है, इस पर मार्किंग कर देंगे डिज़ाइन का। तो ये मार्क कर दिए, जैसे मार्किंग किए सेम कटिंग कर देंगे। तो मैंने बकरम की कटिंग कर दिया। साथ में इसका एक फैब्रिक लेंगे। तो मैंने देखिए एक फैब्रिक ले लिया रेड कलर का। रेड कलर का डिज़ाइन बनाएंगे और उसके साथ में बकरम रखते हुए देखिए स्टिचिंग करें। जिस साइड से राउंड में कटिंग किया था उसी साइड से स्टिचिंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दिए हैं। अब इस पर छोटे छोटे कट लगा देंगे। इसे जब पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन ऐसी आ जाएगी जैसे हमने बना रखा है। ये पलट कर देखिए सीधा कर लिए हैं बराबर में। अब इस पर एक सिलाई लगाते हैं, इसकी फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो आप वीडियो में देखिए मैं कैसे फिनिशिंग की स्टिचिंग करें, ऐसे कर लीजिएगा। अब इसकी गले आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज बराबर में रख दिए हैं, अब आर्म होल का मार्क कर देंगे। जैसे मार्किंग की ऐसे स्टिचिंग कर देंगे एक सिलाई लगाते हुए। तो मैंने ये देखिए एक सिलाई लगाते हुए पूरा अच्छे से स्टिचिंग कर दिया है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो मैंने पूरा इसकी स्टिचिंग और कटिंग कर दिया, उसका वीडियो हम बना नहीं पाए। तो देखिए पूरा कंप्लीट है। इस पर डिज़ाइन करना है तो इसको साइड करेंगे और डिज़ाइन आपको आगे का दिखाते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने एक पट्टी कट करके रख ली जिसकी चौड़ाई मैंने 1.7 इंच रखा है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, बीच में बराबर में फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के पट्टी की पूरी स्टिचिंग कर देंगे एक साइड से। तो
मैंने देखी एक साइड से पट्टी पूरी स्टिच कर दिया है, दूसरे साइड से भी एक सिलाई लगाते हुए पट्टी की पूरी स्टिचिंग कर लेंगे। तो मैंने यह देखिए पट्टी पूरा स्टिच दोनों साइड से कर दिया, इस पर डिज़ाइन करना इससे। तो हम इसकी 1.5 इंच की लंबाई पे माप लेंगे और बराबर में इसको फोल्ड कर देंगे। तो जितने पार्ट्स हैं सभी को 1.5 इंच के बराबर में फोल्ड कर दीजिएगा। देख रहे हैं मैंने इसको फोल्ड कर दिया, इसको कट करके अलग अलग कर देंगे। तो सबको अलग अलग कर दीजिएगा, दोनों साइड से कटिंग करते हो। मैंने ये कट करके अलग अलग कर दिया, इसको साइड रखेंगे। और ब्लाउज़ का जो डिज़ाइन का पार्ट बना रखे हैं बकरम वाली, उसको ले लिए। देखिए अब इसके ऊपर की साइड से, जिस साइड से गला रहेगा उस साइड से, इस पट्टी को डबल फोल्ड करके लूप्स बनाते हुए स्टिच करेंगे। बीच में गैपिंग रखते जाइएगा, जितने चौड़ाई में लूप्स है उतनी चौड़ाई के बीच में गैपिंग भी रखते जाइएगा। और लूप्स को इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच करते जाइएगा। तो आप वीडियो में देख रहे हैं मैं कैसे स्टिचिंग करूँ, ऐसे कर दीजिएगा पूरे लूप्स की स्टिचिंग। तो मैंने देखिए पूरा लूप्स अच्छे से स्टिच कर दिया है। अब इसको डेकोरेट करना है तो लैस लेंगे और लैस को इसको गले के ऊपर जहाँ से डिज़ाइन को स्टिच किया है लूप्स वाली, वहीं से रखते हुए पूरा लैस की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मैंने देखिए लैस की पूरी स्टिचिंग कर दिया। अब इसको डेकोरेट करना है लूप्स को। तो डेकोरेट करने के लिए मैं मार्केट वाली डोरी यूज़ करी, आप डोरी बना के भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए लूप्स के बिल्कुल मिड से डोरी को डालते हुए निकाल रहे हैं, इस तरीके से सभी लूप्स के मिड से डोरी डाल दीजिएगा। तो मैंने देखिए पूरा लूप्स की मिड से डोरी ये डाल दिया है, ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब इसको जितना डोरी यूज़ में है उतना रख लीजिएगा, डोरी को यहाँ से स्टिच कर देंगे। तो मैंने डोरी की स्टिचिंग कर दिया है, दोनों साइड से बराबर में डोरी की स्टिचिंग कर लीजिएगा। तो आप वीडियो में देख रहे हैं मैं बराबर में कैसे स्टिच कर रही हूँ, डोरी को ऐसे स्टिच कर दीजिएगा। फिर दोनों डिज़ाइन को ऐसे बना लेंगे दोनों साइड का। तो मैंने दोनों साइड की डिज़ाइन बना दिया, इसको साइड करेंगे और ब्लाउज़ ले लेते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये ब्लाउज़ ले लिया। अब इस पर जो डिज़ाइन बनाए हुए इसको बराबर में रखेंगे और साइड से इसकी पूरी सिलाई लगाते हुए ब्लाउज़ और डिज़ाइन को पूरा स्टिच करेंगे। तो आप वीडियो में देख रहे हैं मैं डिज़ाइन को कैसे ब्लाउज के साथ में स्टिच कर रही हूँ। इस तरीके से दोनों पार्ट को स्टिच करेंगे। तो एक स्टिच हो चुका है, ऐसे दूसरा भी बराबर में रखेंगे और एक सिलाई लगाते हुए पूरा इसको भी अच्छे तरीके से ब्लाउज के साथ में स्टिच कर देंगे। तो ये देख लीजिए मैं पूरा कम्प्लीटली इसको स्टिच कर दी हूँ ब्लाउज के साथ में। तो ये मेरा ब्लाउज़ देखिए कम्प्लीट बन चुका है। अब इसको थोड़ा डेकोरेट करना है, तो डेकोरेशन के लिए मैंने एक फ्लावर बना रखा है। देखिए मैंने इसको यहाँ से स्टिच कर दिया, मैंने बहुत सारे वीडियो में फ्लावर बना के दिखाया है। तो ऐसे बना के इसको डेकोरेट कर दीजिएगा। तो मेरा ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कम्प्लीट है, बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन थी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही है। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे ऐसे ही लेटेस्ट डिज़ाइन की अपडेट पाने के लिए। चलिए ये फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो में नए डिजाइन से, जो ऐसा ही ब्यूटीफुल सिंपल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।